PSO and breadboard. What is function generator? Function generator एक ऐसा equipment है जो different types of signals को generate करता है. Different types of signal कौन कौन से हैं? Sinusoidal wave, square wave, triangular wave, sawtooth wave. etc. ठीक है, what is this waveform? ये जो सिग्नल है ये फंक्शन जनरेटर है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस या सिग्नल्स को जनरेट करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल क्या है? हमारा इंफॉर्मेशन कैरियर. ठीक है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है. जैसे अभी मैं आपके साथ मैं बोल रही हूँ और आप सुन पा रहे हो. ठीक है, वो जो मैं बोल रही हूँ वो भी क्या है? एक सिग्नल है. अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो सिग्नल है वो किस पे किसका फंक्शन होगा? टाइम और एम्पलीट्यूड का. ठीक है, जो भी मैं बात कर रही हूँ आपसे, पिच के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से मेरा सिग्नल जो है वो वेरी करता जाएगा. जैसे मैं कुछ भी बोलूंगी नहीं तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो. अगर मैं 2 सेकेंड्स के लिए कुछ भी नहीं बोल रही तो 2 सेकेंड्स तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो. फिर जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करूंगी तो वैसे ही मेरा सिग्नल जो है वेरी करता जाएगा. इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम पीरियड. मगर इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया एक ग्राफिकल फॉर्म में तो इसको मैंने क्या बोल दिया? सिग्नल. ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ दैट इज इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फॉर्म की उसमें फॉर्म में तो उसको हम बोलते हैं सिग्नल. जो हमारे घर में जो सिग्नल आ रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो किस टाइप का सिग्नल है? एसी सिग्नल है. ठीक है, एसी सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल्टरनेट करंट. ऑल्टरनेट मीन्स हर एक टाइम पीरियड T1 के बाद इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऑल्टरनेट कर रहा है. ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल. तो ये आपका साइनोसाइडल सिग्नल है. इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम. मगर टाइम पीरियड में हम बहुत कम है कि सिग्नल्स को टाइम पीरियड में रिप्रेजेंट करें. हम उसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं. आपने आपके घर में जो सिग्नल आता है आप उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हो ना कि 50 हर्ट्ज का सिग्नल है. तो 50 हर्ट्ज जो है दैट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. तो फ्रिक्वेंसी हमारा कहाँ से आता है? 1/T. रियल टाइम में हम बात जब करते हैं सिग्नल की तो हम टाइम पीरियड में करते हैं. मगर जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं या उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेते हैं. क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में या लैपलास डोमेन में चेंज कर देते हैं सिग्नल को? क्योंकि जो कैलकुलेशंस हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में या फिर लैपलास डोमेन में दैट आर वेरी इजियर. क्योंकि जो सिग्नल जो मैंने बोला वो एज इट इज तुम्हें ट्रांसमिट नहीं हो रहा, उस पर बहुत सारी मैनिपुलेशन हो गए, उसके ऊपर मॉड्यूलेशन होके सिग्नल, फिर मॉड्यूलेशन होने के बाद वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन में या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू वो जो सिग्नल है वो आपके तक पहुंचता है. ठीक है, तो उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं. तो जो हमारा
रियल टाइम सिग्नल है वो हमारा लिटिल यूज का होता है, उसके ऊपर बहुत सारी हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होती हैं, उसके बाद हम जो है सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, सो दैट कि उसमें एक तो नॉइस कम रहे, फिर करप्शन, कोई जो हमारा सिग्नल है वो उसको करप्ट ना कर दे, तो ये वाली सारी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हमारा टाइम डोमेन में अगर हम करते हैं तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हम टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिग्नल को चेंज कर देते हैं। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमारा एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपका कुछ भी हो सकता है, अगर वोल्टेज सिग्नल है तो वोल्टेज होगी, अगर करंट सिग्नल है तो करंट होगा, अगर पावर सिग्नल है तो पावर होगा। तो ये जो सिग्नल्स हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको ये बताया एक एग्जांपल जो मैं बोल रही हूँ स्पीच सिग्नल का, वो मैंने एग्जांपल बताया, दैट इज नोन एज स्पीच सिग्नल। ऐसे ही और कोई एग्जांपल आप बता सकते हो लाइव रियल टाइम डेटा में जो हो? ईसीजी देखा है कभी आपने? हार्ट का जो ईसीजी होता है वो भी आपका एक रियल टाइम एप्लीकेशन है सिग्नल्स का, जिसमें हम हार्ट के बीट को चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ईईजी जो है वो भी एक टाइप का सिग्नल है जो हमारा ब्रेन का सिग्नल है उस। ठीक है, तो ये जो सिग्नल्स हैं ये तो हमारे रियल टाइम सिग्नल्स हैं जो रियल लाइफ के साथ हमारे स्पीच सिग्नल हो गया, ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया। मगर जैसे जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा किस फॉर्म में होगा? साइन वेव में। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए जिसका हम यूज कर पाए अलग अलग डिवाइसेस की वर्किंग को चेक करने के लिए, तो वो सिग्नल हमारे कहाँ से जनरेट होते हैं? इस फंक्शन जनरेटर से। ठीक है, दिस इज द फंक्शन जनरेटर दैट जनरेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स लाइक साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव और सॉटूथ वेव। ठीक है, सॉटूथ वेव और ट्रायंगुलर वेव ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं, ट्रायंगुलर का ही पार्ट है सॉटूथ वेव, मगर ट्रायंगुलर सिग्नल में क्या होता है, आपका राइज टाइम और फॉल टाइम दोनों सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ से जितना राइज टाइम है T1 और फॉल टाइम T2 है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, टाइम T1 इज इक्वल टू टाइम T2, मगर समटाइम्स क्या होता है हमारा T1 राइज टाइम ज़्यादा है, फॉल टाइम कम है, तो इस टाइप ऑफ सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? सॉटूथ। ठीक है, अगर आप इस सिग्नल को देखोगे तो इसका T1 टाइम जो है दैट इज राइज टाइम दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू T2 टाइम। तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल बट इन सॉटूथ वेवफॉर्म द राइज टाइम एंड फॉल टाइम आर डिफरेंट। क्लियर, तो फंक्शन जनरेटर जो है इन सिग्नल्स को जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? इनसाइड द फंक्शन जनरेटर देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो है वो साइनोसाइडल सिग्नल को जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए देयर इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, जो स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। इसके आगे हम डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर लगाते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएटर मैथमेटिक्स में करते हो और इंटीग्रेशन करते हो, वैसे ही हम सिग्नल का डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेशन करते हैं बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम इनपुट जो है वो कैपेसिटर को देते हैं और आउटपुट जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेते हैं, तो दिस सर्किट बिहेव एज डिफरेंशिएटर। जो हमने यहाँ पे अगर स्क्वायर वेव दिया तो ये उसको डिफरेंशिएट करके
ऐसे स्पाइक्स में आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक है। एक होता है इंटीग्रेटर सर्किट। इंटीग्रेटर सर्किट जो है वो कैसे फॉर्म होता है, इसका ऑपोजिट। यहाँ पे इनपुट जो है वो हम रेजिस्टेंस को देते हैं और आउटपुट। मैम एक बार फिर से रिपीट करना मैम, डिफरेंशिएशन वाला ये जो आपने बताया अभी। ओके, जैसे हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही मैथमेटिकली जैसे करते हैं वैसे ही हम इन दो रेजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से किसी भी सिग्नल को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे साइनोसाइडल इनपुट दूंगी तो साइन वेव का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा कोसाइन वेव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेटर, ये सर्किट इंटीग्रेटर कैसे करेगा, अगर मैं इनपुट वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के को दूंगी और आउटपुट जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस लूंगी, ठीक है। तो दिस सर्किट बिहेव एज इंटीग्रेटर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर वेव देती हूँ तो स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करने के बाद ये ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इनसाइड दिस फंक्शन जनरेटर देयर आर ऑसिलेटर्स, डिफरेंशिएटर्स, मल्टी स्टेज वाइब्रेटर्स, ए स्टेबल और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर्स। ये सारे सर्किट जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो इस फंक्शन जनरेटर के इनबिल्ट हैं, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स को जनरेट करके देते हैं। तो ये जो फंक्शन जनरेटर आपको जो मैं ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, ये जो फंक्शन जनरेटर है, फर्स्ट सिंपल फंक्शन जनरेटर, ये आपका एनालॉग फंक्शन जनरेटर है, ठीक है, जिसमें हमारे जो यूज हो रहे हैं कंपोनेंट सारे एनालॉग इन नेचर हैं। जो सेकेंड डिवाइस येलो कलर से मैं शो कर रही हूँ, दैट इज डिजिटल फंक्शन जनरेटर, ठीक है। इसमें क्या है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके सिग्नल को, फिर सो दैट कि जो इसमें डिस्टोर्शंस हैं वो कम हों, और डिजिटल सिग्नल्स को स्टोर करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। तो ये जो है आपका सेकेंड टाइप का फंक्शन जनरेटर, ये आपका डिजिटल फंक्शन जनरेटर है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं जो मैं येलो कलर से आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, दीज कनेक्टर्स आर नोन एज बीएनसी कनेक्टर्स, बॉयनेट नील काउंसिल कनेक्टर्स। ये जैसे आपके घर में केबल होती है ना, वैसे ही थ्री पिन का कनेक्टर है मेल और फीमेल, वैसे ही जो ये वाले कनेक्टर्स हैं जिसके साथ हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं और किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए, इस टाइप ऑफ कनेक्टर को हम बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर। बीएनसी इज बॉयनेट नील काउंसिल कनेक्टर, ठीक है। और ये जो बटन्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स को जनरेट करते हैं, जैसे साइन वेव को जनरेट करना है, स्क्वायर वेव को जनरेट करना है, तो हम यहाँ पे एक बटन को प्रेस करते हैं तो दैट पर्टिकुलर सर्किट जो है वो आपका वर्किंग में आ जाता है और आपको सिग्नल जनरेट करके दे देता है, ठीक है। इस सिग्नल का आगे हम एम्पलीट्यूड ये पर्पल कलर से मैं शो कर रही हूँ, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, ये भी हम इसका चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज बटन्स, ये जो बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। उसके बाद के जो बटन्स हैं वो आपके मॉड्यूलेशन में यूज होते हैं। मॉड्यूलेशन में क्या है, जैसे एफएम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये सारी मॉड्यूलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन जनरेटर, ठीक है। ये जो फंक्शन जनरेटर है ये फिजिकल जो है वो आप लैब में देख पाओगे, मगर हम यहाँ पे अभी वर्चुअल लैब में भी ये सारे
हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे हमें वर्चुअल लैब में भी अवेलेबल हैं। वो हमारी लैब है मल्टी सिम लैब। ये एक सॉफ्टवेयर है नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का, इसको आप डाउनलोड कर लेना नेक्स्ट लैब में। अभी मैं आपको इसका आउटलुक जो है वो दिखा दूंगी थोड़ी देर में, पहले हम डीएसओ और सीआरओ करेंगे उसको पहले, ठीक है। ये सारे जो आपको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये आपकी लैब में एग्जिस्ट करते हैं, मगर इस टाइम पे क्योंकि हम लैब्स में नहीं जा सकते तो हम सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग दिस मल्टी सिम सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स का सॉफ्टवेयर है NI, ठीक है। इसको आप फ्री डाउनलोड, आपको नेट पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लेना। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू फंक्शन जनरेटर। नेक्स्ट इज CRO। CRO is cathode ray oscilloscope, जो हमारा जनरली लेबोरेटरीज में यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म्स। जो हमने जैसे फंक्शन जनरेटर से वेवफॉर्म जनरेट करी उस सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए या एनालाइज करने के लिए कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ठीक है। इस पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है दैट इज यूज टू डिस्प्ले मेजर एंड एनालाइज एनी वेवफॉर्म, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स को जनरेट करते हैं, उन वेवफॉर्म्स को हम डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कि कैसा सिग्नल जो है हमारा देखने में सिग्नल कैसा है, ठीक है। उसको मेजर कर सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कैथोड रे ट्यूब है बेसिकली CRT, ये आपने पुराने वाले जो आपके TV होते थे उसमें भी कैथोड रे ट्यूब जो है दैट वाज यूज्ड। इसमें एक क्या है इलेक्ट्रॉन गन है, उसके बाद आपकी फोकसिंग एनोड और कैथोड है जिसको हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास करते हैं, और जो स्क्रीन है वो फॉस्फोर स्क्रीन है जिससे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करके एक वेवफॉर्म से जनरेट करते हैं। तो वो जो वेवफॉर्म है वो कौन सी वेवफॉर्म है जो हम यहाँ पे इनपुट पे दे रहे हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो देखने में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा लैब में अगर आप देखोगे, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले स्क्रीन है, ये इसकी वर्टिकल पोजीशनिंग है, वर्टिकल पोजीशनिंग में हम इसका एम्पलीट्यूड जो सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, ये जो टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिगर कंट्रोल, ट्रिगरिंग के लिए यूज होता है। ये सिर्फ सिंगल चैनल CRO है, मगर
प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल लैब्स में, वो टू चैनल CRO यूज करते हैं. ठीक है, टू चैनल्स मींस जैसे यहाँ पे एक वेव फॉर्म दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे हम टू वेव फॉर्म्स को साइमल्टेनियसली एनालाइज कर सकते हैं. जैसे एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट आपका साइनोसॉइडल होगा, AC सिग्नल होगा, और आउटपुट क्या होगा, DC. एक्चुअली DC नहीं होता, जब हम उसको सिर्फ रेक्टिफायर करते हैं डायोड के थ्रू, तो आपके पास पल्सेटिंग DC आता है. इसके आगे हम फिल्टर यूज करते हैं, जिसके बाद आपका जो सिग्नल है इसकी एवरेज वैल्यू आप लेते हो, तो वो किसके इक्वल आती है, आपके DC के इक्वल. ठीक है, तो देन AC इज कन्वर्टेड इनटू DC. तो आपको अगर ये दोनों सिग्नल साइमल्टेनियसली देखने हैं, तो एक सिग्नल हम इनपुट पे अप्लाई कर देंगे, एक चैनल वन पे. इनपुट सिग्नल हमने चैनल वन पे के साथ कनेक्ट कर दिया, आउटपुट सिग्नल जो है वो चैनल टू के साथ कनेक्ट कर दिया. तो दोनों सिग्नल्स को आप साइमल्टेनियसली जो है ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे इसमें सिर्फ एक ही चैनल शो किया हुआ है, आपको दिखाती हूँ डबल चैनल. ड्यूअल चैनल या टू चैनल ऑसिलोस्कोप जो है वो आपका कैसा होगा? ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस मैम. लैब्स में ऐसा जो आपकी दिस इज ड्यूअल चैनल CRO, जिसमें दो चैनल्स हैं, चैनल वन एंड चैनल टू. ठीक है, ये इसके कनेक्टिंग कनेक्टर्स हैं. ये भी यहाँ पे BNC कनेक्टर्स हैं, बॉयनेट नील काउंसिल कनेक्टर्स. ये स्पेशल टाइप की इसकी कनेक्टिंग वायर होती है, जो जिसको हम बोलते हैं BNC केबल. ठीक है, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ केबल यूज होती है, दैट इज नोन एज BNC केबल. दो BNC केबल भी टू टाइप्स की होती है, एक BNC to BNC जिसमें दोनों तरफ कनेक्टर होते हैं, और एक होती है BNC to Crocodile. जैसे क्रोकोडाइल का फेस होता है ना, वैसे ही उसके आगे एक चिटकनी सी लगी होती है. जैसे तुम्हारे घर में जब कपड़े सूखने डालते हैं, तो उस एक चिटकनी होती है ना, सेम वैसी चिटकनी सी होती है. एक साइड पे BNC केबल है, और दूसरी साइड पे उसको क्रोकोडाइल के जैसा उसका फेस होता है, तो इसको BNC to Crocodile केबल बोलते हैं. ठीक है, इसमें दो चैनल हैं, चैनल वन और चैनल टू. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दो वेव फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक चैनल वन के साथ एसोसिएटेड है, दूसरी चैनल टू के साथ एसोसिएटेड है. ये जो दो बटन्स हैं, जो मैं ब्लू कलर के अभी शो करने लगी हूँ, ये दोनों बटन्स हमारे चैनल वन और चैनल टू की वर्टिकल पोजीशनिंग के लिए यूज होते हैं. वर्टिकल पोजीशनिंग मींस उसका एम्पलीट्यूड. जैसे एक ट्रेंगुलर वेव है, दूसरी साइनोसाइडल वेव है,
इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो हम कहां से करेंगे, ये वाले बटन के थ्रू, ठीक है। सेकंड वाला आपका साइनोसाइडल सिग्नल है, उसकी एम्पलीट्यूड अगर आपको चेंज करना है तो ये चैनल टू के थ्रू चेंज होगा। थर्ड जो आपको ये बटन दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग बटन या हॉरिजॉन्टल कंट्रोल बटन। दोनों चैनल के लिए सेम बटन है, दोनों चैनल की अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये टाइम पीरियड, ठीक है, इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग कंट्रोल बटन के थ्रू, ये वाले एक बटन के थ्रू, ठीक है। ये अभी क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, मगर फिर भी जैसे नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज है या मतलब कई कॉलेजेस में अभी भी इवन महाराजा अगरसेन में भी कुछ कुछ लैब्स में ये यही वाला सीआरओ यूज होता है, मगर हमारे कॉलेज में कोई भी सीआरओ नहीं है, सारे डीएसओ से रिप्लेस्ड हैं। जो डीएसओ है वो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जो डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है वो कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। इसमें जितने भी बटन्स हैं वो सारे डिजिटल है। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप और सीआरओ में क्या डिफरेंस है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सीआरओ में जो वेवफॉर्म जनरेट होती है, जो भी सिग्नल हम देखते हैं, उस सिग्नल नहीं कर सकते, मगर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप सिग्नल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जो चैनल वन है, जैसे ये रेड कलर का चैनल वन है और येलो कलर का चैनल टू है। चैनल वन जो है वो रेड कलर में है, चैनल टू जो है वो वॉइस लैग हो रही थी मैम। हाँ, वो सिग्नल अनस्टेबल आ रहा था, इस पे भी लिखा हुआ है नेट में। मैम आप एक बार फिर तो अभी ठीक सुनाई दे रहा है? जो आप बता रहे थे मैम वो फिर से रिपीट कर दीजिए। जो मेन डिफरेंस है सीआरओ और डीएसओ में वो ये है कि जो सीआरओ में हम कभी भी वेवफॉर्म को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो भी हमारा वेवफॉर्म है उसको हम स्टोर कर सकते हैं और जब हमें रिक्वायर्ड है उस सिग्नल को हम दोबारा से फाइंड चेक कर सकते हैं। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है कि उसमें हम कभी भी वेवफॉर्म का आउटपुट नहीं ले सकते। एवरी टाइम वी हैव टू ट्रेस द सिग्नल यूजिंग ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर से ही हम उस सिग्नल को ट्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमें कुछ भी ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट जो है वो आपको अवेलेबल है। इस पोर्ट पे आप पेन ड्राइव लगा के इसका प्रिंट आउट ले सकते हो या सीधा प्रिंटर भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें। तो और जो मेन डिफरेंस है इसमें, उसमें सीआरओ में हमें सारी कैलकुलेशंस मैनुअली करनी पड़ती हैं कि सिग्नल का अगर एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है तो हम जो यहाँ पे स्केलिंग होती है उसमें सीआरओ में उस स्केलिंग के साथ
ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास जो है सिग्नल की वैल्यू आती है। मगर डीएसओ में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटो सेट एक बटन होता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक मेजर करने के लिए मेजर बटन है उस पर आप क्लिक कर दोगे तो सारी वैल्यूज़ की कितना इसका एम्पलीट्यूड है, कितना इसका टाइम पीरियड है, कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी है, एवरेज वैल्यू क्या है सिग्नल की, डीसी वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू क्या है सिग्नल की, सारी वैल्यूज खुद ही कैलकुलेट करके ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है यहाँ पे ये इस साइड पे। ठीक है, तो जो डीएसओ है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको पता चल ही गए। एक तो देखने में कितना इजी है हमें, उसमें तो सिर्फ एक ही टाइप एक ही कलर के सिग्नल जो है दोनों चैनल पे आपको एक ही कलर का दिखाई देगा। इसमें चैनल वन पे जो सिग्नल होंगे वो रेड कलर के दिखाई देंगे, यहाँ से आप देख सकते हो रेड बटन गिवन है, और चैनल टू के येलो कलर से। ठीक है, जो थर्ड है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग के लिए है, हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग टाइम पीरियड चेंज करने के लिए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करनी है तो उसके लिए हमारा ये वाला बटन है। तो ये चैनल वन है, सिमिलरली जैसे उसमें हम बीएनसी केबल यूज करते हैं इसमें भी बीएनसी केबल यूज करते हैं। चैनल टू और थर्ड जो है वो ट्रिगरिंग के लिए यूज होता है। ट्रिगरिंग जो पल्स है वो आपकी मॉड्यूलेशन में यूज होती है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए है। अभी आपके लिए सिर्फ ये चैनल वन और चैनल टू जो है यही आपके लिए, इस पे ही आप ऑब्जर्व करोगे। एक मैं मीटिंग दोबारा जनरेट कर रही हूँ उस पे आप अभी दोबारा ज्वाइन करोगे मीटिंग को। ठीक है, उसमें मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगी मल्टी सिम का और ब्रेडबोर्ड का, क्योंकि ये वाली मीटिंग जो है वो एंड हो रही है। अटेंडेंस जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके सीआर को सेंड कर देना, मनमीत को, वो अटेंडेंस मार्क कर देगी। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट मैंने, ले ली अटेंडेंस। ठीक है, मैं अभी दोबारा लिंक सेंड कर रही हूँ तो उस लिंक से दोबारा ज्वाइन करो। ओके,
हमारे कॉलेज के लैब में जो डीएसओ अवेलेबल है वो ऐसा ही डीएसओ अवेलेबल है जिसमें दो टू चैनल्स हैं। मार्केट में 4 चैनल डीएसओ भी अवेलेबल हैं जिसमें 4 चैनल्स होते हैं, तो उसमें 4 डिफरेंट वेवफॉर्म्स एक टाइम पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और चारों जो वेवफॉर्म्स हैं वो डिफरेंट कलर की वेवफॉर्म्स होंगी, जैसे एक पिंक कलर की, एक ग्रीन, एक येलो और एक रेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज ब्रेड बोर्ड। ये आपको दिखाई दे रहा है ब्रेडबोर्ड? यस मैम। ब्रेडबोर्ड जो है मल्टीपल कनेक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको ब्रेडबोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ब्रेड पे आपके होल्स होते हैं ना, मुसाम होते हैं, वैसे ही इस बोर्ड के ऊपर देयर आर होल्स जिसपे हम डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं वो मेड करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कनेक्शंस के लिए, जैसे ये एक एग्जांपल बताया हुआ है, एलईडी, रेजिस्टेंस, बैटरी जो है, ये सारे ब्रेडबोर्ड के ऊपर हमने कनेक्ट किए हुए हैं। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंक्शन जनरेटर, सीआरओ, डीएसओ एंड ब्रेडबोर्ड। नेक्स्ट इज this software, this is multi sim software, ये आपको दिखाई दे रहा है? Yes ma'am। multi sim, ये इसका वर्क स्पेस है जहां पे हम डिफरेंट सर्किट जो है वो बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके का क्या बाय यूजिंग दिस ब्रेडबोर्ड। ठीक है मैम, आपकी आवाज कट गई थी। सेम जैसे ब्रेडबोर्ड पे होल्स होते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज लैग कर रही है बहुत ज्यादा। ओके, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है, उस पे भी आ रहा है मुझे। दिस इज अ वर्क स्पेस जो है वो आपका एक तरीके का ब्रेडबोर्ड है। अगर आप इसको फिजिकल लैब में देखोगे तो जैसे ब्रेडबोर्ड है, ये आपकी एक वर्चुअल लैब है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला स्पेस है इसको हम वर्क स्पेस भी बोलते हैं, जो आपका ब्रेडबोर्ड है, फिजिकल कॉम्पोनेंट ब्रेडबोर्ड वैसे बिहेव करेगा। जो राइट साइड पे ये मैं ब्लू कलर का सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, ये सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दीज आर नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, करंट की, वोल्टेज की, पावर की, ये सारी वैल्यूज को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं,
जैसे एक मल्टीमीटर हो गया, फंक्शन जनरेटर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए हो गया, जो हमने अभी उस पे किया था। ये कुछ ऐसे देखने में, जैसे वो वाला मैंने आपको बताया था कि उसमें हम फंक्शन जनरेटर की वेवफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में फंक्शन जनरेटर जो है, एक इक्विपमेंट है जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स को जनरेट करता है, वो भी अवेलेबल है। वॉट मीटर, ऑसिलोस्कोप, फोर चैनल ऑसिलोस्कोप जिसमें चार चैनल्स हों। वैसे इस लैब के लिए आपको टू चैनल ऑसिलोस्कोप इज सफिशिएंट, जिसमें आप इनपुट और आउटपुट को कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि हम डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स अभी सिग्नल्स पे नहीं करेंगे, वो आप आगे जाके अगर कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसमें आपका यूज होगा फोर चैनल ऑसिलोस्कोप। बॉडी प्लॉटर है और बहुत सारे, फ्रीक्वेंसी काउंटर है, वर्ड जनरेटर है, लॉजिक कन्वर्टर है, लॉजिक एनालाइजर है, नेटवर्क एनालाइजर है, डिस्टोर्शन एनालाइजर है। ये सारे जो एनालाइजर हैं, ये भी एक तरीके के आपके मेजरिंग डिवाइसेस हैं। जैसे सीआरओ है, वैसा ही नेटवर्क एनालाइजर या डिस्टोर्शन एनालाइजर होता है, मगर जो ऑसिलोस्कोप है ये फ्यू मेगाहर्ट्ज तक ही फ्रिक्वेंसी को मेजर कर सकता है, जैसे 100 मेगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज तक। जो इससे हायर फ्रिक्वेंसी होती है, गीगाहर्ट्ज में जो फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे माइक्रोवेव में जब आप काम करते हो, माइक्रोवेव सिग्नल हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है, तो उसके लिए आपको नेटवर्क एनालाइजर जो है वो यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो मैं रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जो बार आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है उस पे ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बने हुए हैं, ये सारे क्या हैं आपके कंपोनेंट्स। जैसे जब हम कनेक्शन मेड कर लेते हैं तो उसमें हमारा साइमल्टेनियसली आउटपुट आ जाता है फिजिकली, मगर यहाँ पे आपको कनेक्शन बनाने के बाद रन करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्ले का बटन है ग्रीन कलर का, जब आप इसको प्ले करोगे उसके बाद ही आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा, चाहे उसको आप मल्टीमीटर पे वैल्यू ले रहे हो या ऑसिलोस्कोप पे ले रहे हो, तो पहले आपको यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर सेकंड वे है इस सिमुलेट, इसको जब आप इस पे प्रेस करोगे तो एक रन का ऑप्शन आएगा, उससे भी रन कर सकते हो। ठीक है, देर आर टू वेज टू प्ले और टू रन द सिमुलेशन, वन इज बाय यूजिंग दिस बटन और अदर इज सिमुलेशन पे, सिमुलेट पे जाके इसमें रन का ऑप्शन है उसको रन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका मल्टी सिम सॉफ्टवेयर है, इजीली अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड अवेलेबल है इसका, तो ये आप आज डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, और जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसका, मैं आपको राइट अप जो है वो सेंड कर दूंगी, 1 to 8 pages तक आपको नोट डाउन करना है। एनी डाउट? नो मैम। यहाँ से सिंपल है, यहाँ से हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको पिक एंड ड्रॉप करते जाएंगे। यहाँ से जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्लू कलर का जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पिक एंड ड्रॉप करेंगे,
ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे जो वर्क स्पेस है उस पर ड्रॉप करते हैं. तो फिर कनेक्शंस जो है वो सिंपल, जैसे यहाँ पे कर्सर रख के इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये क्या है वायर, रेड कलर का जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये एक वायर का काम करेगा. ठीक है, कर्सर को सिंपल उसके ऊपर प्लेस करके ऐसे लेफ्ट क्लिक करके आपको सिर्फ ट्रेस करना है, तो ये आपका वायर जो है वो यहाँ से आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका यूज करेंगे. ठीक है, फंक्शन जनरेटर और सीआरओ के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स को पहले जनरेट करेंगे बाय यूजिंग फंक्शन जनरेटर, फिर उसको सीआरओ के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं वो देखेंगे. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. जिसका राइट अप है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. फंक्शन जनरेटर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए यूज होता है. जैसे फंक्शन जनरेटर को आप समझ सकते हो, एक कंपेयर कर सकते हो एक कीबोर्ड से. जैसे मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया, ठीक है, तो टी जो है वो मैं प्रेस कहाँ से कर रही हूँ, कीबोर्ड से, मगर आपको मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, तो मॉनिटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस. वैसे ही सीआरओ जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है और जो फंक्शन जनरेटर है वो इनपुट डिवाइस है. सिग्नल ये जनरेट कर रहा है मगर डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है, सीआरओ के ऊपर. ठीक है, तो आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ये आपका एक इनपुट डिवाइस के तरीके से बिहेव करता है फंक्शन जनरेटर, और सीआरओ जो है वो आपका एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स कह रही हूँ, इसके रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लैब से स्टार्ट करेंगे. आज आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन टू फंक्शन जनरेटर, सीआरओ, डीएसओ, ब्रेडबोर्ड ये सब लिखना है और मल्टी सिम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है. ठीक है मैम, आप एक्सपेरिमेंट की लिस्ट भी शेयर कर देना मैम. हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगी. ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. ठीक है, ईडीसी फाइल. That is all for today's class. You can leave the meeting. Thank you, ma'am. Thank you.